माँ ने नोनी के लिए मंगाया है सरप्राइज। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है संडे मॉर्निंग और सुबह के 8 बज रहे हैं, तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी करीबन 7 बजे के आसपास, और बाहर आके देखा मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। रात को हल्की सी बारिश हुई थी, तो उस वजह से बाहर थोड़ा सा पानी हो रहा है। तो अभी इस टाइम पे मैंने नहा तो लिया था, नहा धो के दिया बत्ती जला के आ गई हूँ मैं फटाफट किचन में। और आज संडे है लेकिन हस्बैंड अभी घर पे नहीं है क्योंकि वो टूर पे गए हुए थे और आज ही आने वाले थे। वैसे वो आ जाते हैं सैटरडे तक, लेकिन आज थोड़ा सा वो काम से रुके हुए थे, उनकी मीटिंग थी वहाँ पे, तो इस वजह से जो है वो दोपहर तक पहुँचेंगे लखनऊ से बाई टैक्सी। और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, थोड़ा सा ही आटा गूँथ रही हूँ पराठे के लिए, नोनी और अपने लिए मैं पराठा बनाने वाली हूँ। तो एक तरफ मैंने आटा गूँथ दिया है, दूसरी तरफ चाय चढ़ाई हुई थी, चाय बन रही थी। चाय बनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, जब तक उसको अच्छे से उबालो तब तक मैंने आटा गूँथ के फिर मैंने पराठे भी बना दिए थे। इसके बाद मैं आई थी अंदर नोनी को उठाने के लिए, नोनी काफ़ी देर तक सोया क्योंकि आज संडे था तो आराम से सोने दिया था मैंने उसे। पहले नोनी गुड मॉर्निंग बोलेगा। एवरीवन बोलो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सुबह के 10 बज गए हैं, तो नोनी का अभी टॉम एंड जेरी टाइम है, ये उठा था 8:30 बजे, तो फिर इसका ब्रेकफास्ट भी लेट ही हुआ है। वैसे मेरा टाइम तो यही रहता है 10 बजे। आज हमने नाश्ता किया है, नहला के मैंने इसको तैयार कर दिया है, सारे काम हो गए, मॉप भी कर दिया अंदर, किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, किचन ना अभी क्लीन करनी है। दूध रखा है बॉयल होने के लिए और हो भी गया है, दूध बॉयल हो गया है, इसको बंद कर देती हूँ। नोनी को जैम पराठा खिलाया था, कभी कभी जब सब्ज़ी वो नहीं खाता है तो उसको पराठा खिलाने के लिए ठीक रहता है ये। और पूरा किचन जो है, बर्तन भी बहुत सारे हो गए हैं इकट्ठे, वॉश करती हूँ अभी। मैंने सोचा पहले आप लोग से बात करती हूँ, उसके बाद फिर काम शुरू करूँगी। फटाफट से यहाँ पे बर्तन वॉश करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, और जल्दी से बर्तन वॉश करके, अभी मैंने कुकटॉप क्लीन नहीं किया था तो बर्तन इतने सारे हो गए थे ना, बर्तन देख देख के अजीब हो जाता है। कभी ऐसा होता है मैं बर्तन पहले वॉश कर लेती हूँ और कभी ऐसा होता है कुकटॉप पहले क्लीन कर लेती हूँ, तो फिर अभी मेरा मन था फटाफट बर्तन क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं कुकटॉप क्लीन करूँगी। तो बर्तन हो गए थे, दूध भी यहाँ पे बॉईल हो गया था और थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। आजकल 1 kg दूध जब से हमने लगाया है तब से थोड़ा सा ठीक रहता है हमारा, मतलब यूटिलाइज़ भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा वेस्ट होने से भी बच जाता है। तो इसके बाद जो है हम सारे काम निपटा के अंदर आ गए थे, थोड़ी देर ना एसी ऑन किया क्योंकि अभी तो गर्मी है ही यहाँ पे, थोड़ी देर एसी में बैठो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और नोनी को यहाँ पे मैं राइटिंग करा रही थी, राइटिंग उसे पसंद नहीं है तो रीडिंग कर रहा था वो, रीडिंग मतलब राइटिंग थोड़ा बहुत कम ही करता है, रीडिंग करने में इंटरेस्टेड रहता है, तो यहाँ पे रीडिंग करा रही थी उसे। आज मम्मा और नोनी मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं, देखो नोनी ने ये वाली टी शर्ट पहनी है, मम्मा ने भी सेम मैचिंग टी शर्ट, और मैंने ना एक टी शर्ट और मंगाई है फ्लिपकार्ट से, काफ़ी दिन हो गए उसको आए हुए, लेकिन अभी पितृपक्ष चल रहा है तो इसलिए नए कपड़े, मतलब पितृपक्ष से पहले मंगा ली थी, और पितृपक्ष में नए कपड़े कोई पहनते नहीं है नए लिए हुए, तो इसलिए मैं अभी पहन नहीं रही हूँ, बाद में ही पहनूंगी। ये मंगाई है मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट, आपने देखा होगा मैंने आज तक ब्लैक पहना ही नहीं, कितने साल हो गए, ब्लैक कलर की टी शर्ट, टॉप, सूट, कुर्ता कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो इस बार मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट मंगाई है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर, डिफरेंट लुक आएगा, तो ये अच्छी टी शर्ट है। और हाँ बेटा, तो इसलिए ये मैंने मंगवाई, तो अभी कुछ दिनों के बाद ही पहनना स्टार्ट करूँगी। न्यू टी शर्ट है, अभी रखी हुई है जस्ट एज इट इज़, आए हुए इसको हो गए 1.5 हफ्ता हो गया है, तो अभी इसको ऐसे रख देते हैं। और नोनी को मैंने राइटिंग में लगाया था, वो लिखता कहाँ है, उसको बस रीडिंग करना पसंद है, वो रीडिंग कर रहा है। और अब जो मैं लंच बनाती हूँ, आज बहुत महीनों के बाद ऐसा संडे आया जब मिस्टर राहुल घर पे नहीं है संडे को, क्योंकि वो लखनऊ से भी सुबह ही निकले, वैसे वो कल ही निकलने वाले थे लेकिन उनकी इस बार 3 दिन की मीटिंग रह गई, वैसे वो हाँ 2 दिन की ही रहती है उनकी, इस बार 1 दिन एक्स्ट्रा क्योंकि अभी इस टाइम पर बहुत बिजी चल रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया उनका, तो ना इसलिए उनको पहुँचते हुए दोपहर हो जाएगी, और रास्ते में बारिश भी हो रही है कह रहे थे, तो लंच तो बनाना है उनके लिए, और पता नहीं वो कितने बजे तक पहुँचेंगे। तो मैं लंच बना रही हूँ वेज पुलाव, ज़्यादा सब्जियाँ नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं सोच रही थी आज बिरयानी बना के ट्राई करूँगी, बिरयानी बहुत आज तक मैंने बनाई नहीं है, मैंने सोचा बिरयानी बनाएंगे लेकिन ज़्यादा सब्जियाँ नहीं हो, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स वगैरह कुछ भी नहीं मेरे पास, तो जिस दिन सारी सब्जियाँ होंगी ना फिर मैं बनाऊँगी बिरयानी। ये बिरयानी राइस है, ये मैंने सोक करके रख दिए अच्छे से वॉश करके, और साथ ही मैंने मटर और कॉर्न लिए हैं, और इसमें आलू भी ऐड करूँगी, थोड़े से काजू ले लिए हैं, और फटाफट से चॉपिंग करना शुरू करती हूँ अपने। तो
तो चॉपिंग कर दी है मैंने यहाँ पे जल्दी से, और इसके बाद पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा लूँगी मैं, कढ़ाई में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। और वैसे भी दो लोगों की फैमिली, तीन लोगों की फैमिली में आराम से कढ़ाई में भी आप बना सकते हो। तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बनाना होता है तब फिर कुकर में भी ठीक रहता है, तहरी कुकर में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है कुछ खड़े मसाले भी मैं यूज़ कर रही हूँ, इनसे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। साथ में काजू लूँगी 4 से 5, और ऑयल गर्म हो गया है, थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, एक हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा जीरा ऐड करके इसको अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे अनियन काफ़ी सारा, तो इसको मैं 7-8 मिनट के लिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। साथ ही मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक जो है कूट के ऐड कर दिया, ऐसे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और जब ये ब्राउन हो गया था तो इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड करने के साथ ही सॉल्ट और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पर ज़्यादा डाला है ताकि उससे अच्छा कलर आए, और हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो मेरे खाने में ना ज़्यादातर बेसिक मसाले यही होते हैं, मैं इन्हीं मसालों के साथ कुकिंग करना पसंद करती हूँ। ज़्यादातर गरम मसाले का फ्लेवर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर सब्ज़ियों में ऐड करती हूँ। साथ ही मैंने आलू ऐड कर दिए थे, थोड़े पक जाएंगे, इनको फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था मसाले के साथ। यहाँ पे मसाला भी अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, थोड़े से कॉर्न और मटर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं, दोनों ही फ्रोज़न है। उसके बाद जो है बासमती राइस जो है, ये बिरयानी राइस, ये मैंने अच्छे से सोक किए थे 15-20 मिनट के लिए, इसको रख देंगे फ्राई होने के लिए, थोड़ी देर अच्छे से फ्राई करेंगे। इस बीच उन्होंने बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स दिखा रहा था, पता नहीं यहाँ पर किस चीज़ के लिए ज़िद कर रहा था, तो गुस्सा होकर खड़ा है कुकटॉप के ऊपर और रो रहा था मुँह उधर को करके, लेकिन मैंने उसको दिया नहीं क्योंकि मैं हर ज़िद उसकी पूरी नहीं करती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद्दी होता जा रहा है, लेकिन मैं ना हर ज़िद उसकी पूरी नहीं करती हूँ क्योंकि फिर वो आगे जाके और ज़्यादा ज़िद्दी बन जाएगा। तो फिर कैसे ना कैसे मैंने उसको मना ही लिया, बाद में उसका मूड भी अच्छा हो गया था उसके बाद और वो खेलने लगा था। तो फ़िलहाल यहाँ पे राइस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसके बाद सबसे लास्ट प्रोसेस इसमें पानी ऐड करके बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो पानी मैंने थोड़ा सा ही डाला था क्योंकि चावल मैंने सोक किए थे करीबन आधे घंटे तक, तो पानी की फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद मैं छत में आ गई हूँ, कपड़े अच्छे से सूखे नहीं थे क्योंकि ना सुबह सुबह बादल लगे हुए थे, उसके बाद हल्की सी धूप आई थी, तो कपड़े अभी आधे गीले थे। तो जो कपड़े गीले हैं उनको मैं पलट दूंगी दूसरी तरफ, और मेरे पीछे पीछे नोनी भी आ जाता है मेरे साथ ही ऊपर। हाँ, इतनी धूप में क्यों आए फिर ऊपर, चलो देखो कितनी तेज धूप आ गई। नोनी लाओ जैसी भी बनाएंगे। और ये क्या है बेटा, जेसीबी को लाए हुए एक वीक नहीं हुआ है, हम लोग कब गए थे फन पार्क, उस दिन लेके आए थे वहां से, और आज के दिन देखो धोनी का ये जेसीबी किस कंडीशन में लाए थे और किस कंडीशन में ये देखने को मिल रहा है हमें। ये देखो इस तरह से, ये कितना डेंजरस हो सकता है इसके लिए, आप समझ सकते हो। तो हम इसके लिए कोई भी टॉयज लाएं, चाहे सस्ता लाएं या महंगा लाएं, अगर ना लाएं तो फिर कुछ लोग कहेंगे आप अपने बच्चे के लिए कुछ लाते ही नहीं हो, टॉयज भी नहीं लाते हो कैसे हो, और ना ला के फिर ये हाल होता है। और नोनी मत कर बेटा, एक मिनट, तो ये एक बना देता है नोनी, तो इसके साथ फिर इसको खेलने दूँ तो कितना रिस्की है ना, मैं इसकी चोट वोट लग गई तो। इसके हाथ में कोई भी टॉय नहीं दिखता है, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि टॉयज बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, नोनी को मैंने कभी नहीं देखा आज तक कि उसने कोई टॉय अच्छे से रखा हो, चाहे उसके लिए कितना भी सस्ता कितना भी महंगा लेके आ जाओ वो कोई टॉय संभाल के नहीं रखता है। इवन इसकी जो रिमोट वाली कार है वो भी 4 दिन पहले ही आई हुई थी और उसका भी उसने याद कर दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता है क्योंकि मैं इसकी ये हैबिट कैसे ठीक करूं, शायद टाइम रहते मतलब टाइम के साथ साथ जब भी बड़ा होगा तब समझ आने लगेगी चीज़ें, अभी तो इतना छोटा है उसको समझा भी नहीं सकते, और बस यही है कि ध्यान देना पड़ेगा। और मैं समझाने की कोशिश तो करती हूं बेटा, अगर आप टॉय तोड़ दोगे तो मैं आपके टॉयस दे दूँगी बाहर कूड़े वाले को, इस तरह से दूसरे बच्चों को दे दूँगी, उस टाइम डरेगा, उस टाइम नॉनी सॉरी बोलेगा, लेकिन फिर बाद में बच्चे भूल जाते हैं ना, बच्चे कहाँ ये सारी चीज़ें याद रखते हैं। तो फिर यही हैबिट है, अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रिक हो जिससे हम बच्चों की ये हैबिट ठीक कर सके तो मुझे प्लीज़ ज़रूर आइडिया देना, इस तरह की छोटी छोटी टिप्स जो है बहुत काम आती है। तो अभी 1 बज गया, हमारा लंच बन गया है और नोनी को थोड़ी देर में खाना खिलाती हूँ, हस्बैंड भी थोड़ी देर में 1:30-2 बजे तक वो पहुँच जाएंगे, और फटाफट किचन क्लीन कर देती हूँ। अभी थोड़ी सी धूप आ रही है, इसके शूज़ स्कूल वाले मैंने वॉश किया है, तो वो कपड़े वाले शूज़ है ना सूखने में टाइम लगता है, तो फिर अगर जल्दी से सूख जाए तो ठीक है क्योंकि स्कूल है कल उसका,
और बाकी इसका होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट है। तो करीबन 1:15 बज रहा है अभी और लंच बनके तैयार हो गया था, तो सबसे पहले नोनी को खाना खिला दूँगी मैं। और राइस देख सकते हो आप कितने खिले खिले बने हैं, इसके साथ चटनी अचार कुछ भी अच्छा लगता है, मतलब बूंदी का रायता नोनी को ज़्यादातर अच्छा लगता है, तो नोनी को तो बूंदी का रायता खिलाती हूँ, मुझे इसके साथ अचार या फिर चटनी अच्छी लगती है। तो नोनी प्लेन दही आजकल खाना उसने छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों नहीं खाता है वो, सिर्फ रायता ही पसंद करता है, तो उसके लिए रायता बना देती हूँ मैं बूंदी का बीच बीच में ताकि वो खा ले अच्छे से। तो अभी मेरा लंच भी हो गया था और किचन अब क्लीन करूँगी, उससे पहले ये जो नोनी का स्टडी टेबल है इसमें कभी कभी नोनी खाना वाना गिरा देता है, अब खाना भी इसी पे खिलाती हूँ ना मैं रख के, तो गंदा हो गया था इसको, फिर मैंने वॉश भी कर दिया था और नोनी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेंसिल चला देता है। बजने वाले अभी शाम के और लिक्विड से मैंने सामान मंगाया है कुछ, तो बोल लेते हैं वैसे लिक्विड यहाँ पे था नहीं आजकल ही, कुछ दिनों से लिक्विड की डिलीवरी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और इंदौर में तो मैं मंगा दी थी, यहाँ भी मैंने एक दो दिन से मंगाना शुरू किया। आज मैंने मंगाई है सोन पपड़ी 250 ग्राम हो गया, तो ये सोन पपड़ी का एक डब्बा, कुछ मीठा खाना खाने के बाद ना नोनी मांगते हैं। उसके अलावा मैंने शिमला मिर्च मंगाई है, एक शिमला मिर्च लिया उन्होंने और बीट रूट मंगाया मैंने, दो तीन आए इसमें और एक का पैकेट है अमूल फूल क्रीम मिल्क, वैसे टोन मिल्क भी अच्छा होता है उसकी चाय के, और 1 किलो आलू खत्म हो गए थे। तो ये हमारा लिक्विड का सामान है और अब मैं जा रही हूँ किचन में कुछ बढ़िया से चाय स्नैक्स बनाते हैं और उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। नोनी नोनी और नोनी के पापा, नोनी अपने पापा के साथ लैपटॉप में काम करा रहा है। अरे बस तो बिना बोले मिस्टर आपने हाय बोल दिया ये आप सबके कमेंट करने का असर है अच्छा बनू बॉक्स खोलते हैं, का है के अंदर का है, चलो देखते हैं ये कैसा होता है। क्या है ये सरप्राइज है, माँ ने नोनी के लिए मंगाया है सरप्राइज, कैसा लगा, कितना अच्छा अच्छा लगा, पसंद आया। इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में और चाय के साथ खाने के लिए अच्छा सा स्नैक्स तैयार करते हैं। तो मैंने धुली हुई उड़द की दाल जो है सो करके रखी थी रात को, उड़द की दाल ना मुझे इसकी दाल बनाओ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये इसकी दाल का टेस्ट मुझे अजीब सा ही लगता है, खाई नहीं जाती है, तो फिर मैं इसको ना सिर्फ उसके लिए इडली डोसा के बैटर बनाने के लिए यूज़ करती हूँ या फिर इस तरह से स्नैक्स या पकौड़े बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ, इस तरह से ही मुझे ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है इसका। तो मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, पानी बहुत कम डाला था, तो इसके बाद इसको मैंने अच्छे से फेटा जब तक कि थोड़ा सा फूल नहीं जाता है, तो ये काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है बैटर इसका और इससे पकौड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं, फूले फूले से एकदम जालीदार पकौड़े। इसके बाद मैंने इसमें डाला है हींग और थोड़ा सा सॉल्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आपके पास हरी मिर्च है और हरा धनिया वगैरह है तो ये भी आप ऐड कर सकते हो और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, या फिर कुछ और मसाले, बेसिक मसाले ऐड करके सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो बैटर तो मैंने रेडी कर दिया था पकोड़े के लिए और दूसरी तरफ यहाँ पे चाय भी मैंने चढ़ा दिया क्योंकि चाय बॉईल होने में टाइम लगेगा, जब तक मैं ये काम कर रही थी दोनों पापा बेटी जो हैं यहाँ पे आराम से कार के साथ कुछ ना कुछ खुराफात करने में लगे हुए थे। नोनी के लिए जो हमने रिमोट कार मंगाई थी ना वो उसने तोड़ दी है, उसके पापा वही देख रहे थे कि मेरे आने से पहले इसने रिमोट कार तोड़ दी और मैं एक बार भी नहीं चला पाया, और नोनी की ऐसी हैबिट है पता नहीं कैसे उसकी हैबिट ठीक होगी, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी उसके साथ इस हैबिट को ठीक करने में। फ़िलहाल यहाँ पे पकोड़े जो है फ्राई कर लेंगे, काफ़ी अच्छी तरह से ये फूल जाते हैं और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी ताकि अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं पकोड़े और अंदर से ये अच्छे से पक गए हैं, तो मैं इनको निकाल लूँगी और फटाफट से दूसरा लॉट भी इसमें डाल दूँगी। तो ये इस तरह से काफ़ी अच्छा और हेल्दी स्नैक्स बनके तैयार होता है, हेल्दी तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा हैवी हो जाती है उड़द की दाल, लेकिन टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो उड़द की दाल ऐसे रखी हुई है मेरे पास काफ़ी टाइम से, मैंने इडली डोसा भी नहीं बनाया तो
ना ही उसका बैटर बनाने के लिए यूज़ होती है वो, तो इसलिए मैंने आज स्नैक्स बना लिए थोड़े बहुत। और चलिए यहाँ पे इस चाय स्नैक्स इंजॉय करते हैं। चाय भी बन गई थी और ये थोड़े खाने में काफ़ी अच्छे हो रहे थे। इसके साथ खाने के लिए कोई चटनी वगैरह तो नहीं थी मेरे पास, क्योंकि ये हरा धनिया हम लोग कम ही लेते हैं और सब्ज़ी वाले कम लाते हैं, महंगा हो रहा है इस वजह से वो भी कम ही लाते हैं। तो हमने टमाटो केचप के साथ ये खाया था, और नोनी ने ज़्यादा नहीं खाया, उसको सिर्फ टोमेटो केचप ज़्यादा पसंद है तो वही खाता है वो, इस तरह की चीज़ें वो बहुत कम खाता है। अभी 7:15 बज गए हैं शाम के, और नोनी और उसके पापा गए थे हेयर कट करवाने के लिए, हस्बैंड को करना था हेयर कट, तो मैंने कहा नोनी को भी ले जाओ क्योंकि घर पे मुझे परेशान कर रहा था और मुझे काम करने थे। थी वीडियो की एडिटिंग करूँगी लेकिन एडिटिंग का काम नहीं हो पाया और बाकी काम करते रह गए, कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखे, बर्तन वॉश किए शाम के, और उसके बाद जो है दिया बत्ती करी, सामान इधर उधर जो फैलाया था नोनी ने, नोनी के टॉयज रखे। मैंने गैस ख़त्म हो गई है तो फिर अभी दूसरी गैस लगाई, उसमें ही टाइम लग गया, फिर गैस निकाल के दूसरी गैस लगाई, वहाँ पे पूरा एरिया क्लीन किया और दोबारा से गैस रखी, तो इन सारी चीज़ों में टाइम लग गया। और अब तो वो लोग आते ही होंगे थोड़ी देर में, तो डिनर अभी कुछ बनाना नहीं है, आटा गूंदना है बस मुझे, क्योंकि दोपहर का पुलाव काफ़ी सारा बचा है और वही हम लोग खा लेंगे। आ गया नानी, जैसे मैं बात कर रही थी वैसे ही आ गए ये लोग। आ गए थे नानी, गया था बार्बर शॉप में पापा के साथ। अभी पूरा अंधेरा हो गया बाहर, लाइट भी गई हुई है, एक्चुअली इन्वर्टर लाइट चल रही है तो बाहर स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, सब जगह लाइट गई है, बाहर अंधेरा एकदम। और आ गए हैं ये लोग, शैतान शैतानी करे इसमें। अच्छा टॉफी की वजह से बैठे थे, शैतानी कर रहा था, मुझे पता था नोनी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, चुपचाप तो बैठ नहीं सकता है, तो ये काम रहे थे इसके। गैस खत्म तो हो गई है, मैंने लगा भी दी अभी तो उसी में तो लगी थी। तो अभी करीबन 9 बज गए हैं, डिनर हो गया था साथ ही किचन भी हमारा क्लीन हो गया था। अब मैं यहाँ पे नोनी के लिए और अपने लिए दूध बनाऊंगी, और साथ ही हेयर मसाज करने का दिन था क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे हेयर वॉश करना है, और जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है उससे एक दिन पहले मैं ये कैस्टर ऑयल और साथ में कोकोनट ऑयल मिक्स करके अच्छे से हेयर ऑयलिंग करती हूँ। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ही स्टिकी होता है, तो इसमें मिक्स करने के लिए ये कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है, तो दोनों को अच्छे से मिक्स करके गुनगुना कर लेती हूँ, उसके बाद जो है हेड मसाज करती हूँ। नोनी को दूध तो दे दिया था मैंने, लेकिन वो दूध पीता नहीं है, एक जगह बैठ के जब तक उसको आराम से गोद में बिठा के दूध ना पिलाओ, तो उसकी यही है बेटा, इधर से उधर घूमता रहता है, कभी वो मुझे आके परेशान कर रहा था, ऑयल में हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, और कभी अपने पापा के साथ यहाँ पे लैपटॉप में छेड़खानी करता रहता है और उनको ऑफिस का काम नहीं करने देता। 9:30 बज गया, नोनी को अभी मैं बड़ी मुश्किल से अंदर लेके आई, वो अपने पापा को काम ही नहीं करने देता, इसलिए ना मिस्टर रावत अंदर बैठ के रिपोर्ट्स वगैरह बनाने का काम नहीं करते हैं, बाहर बैठ के कर रहे हैं, और उनको आज टाइम लगेगा करने में, तो इसलिए मैं नोनी को सुलाती हूँ। कल इसका स्कूल भी है और सुबह टाइम से उठाना भी है, और मुझे भी उठना है क्योंकि कल बहुत सारे कपड़े भी वॉश करने हैं, तो कपड़े जो है जिस दिन बेडशीट या ब्लैंकेट वगैरह होते हैं उसी दिन मैं मशीन में डालती हूँ, अदरवाइज मैं हाथ से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जितनी देर में मशीन में कपड़े वॉश होते हैं उतनी देर में विद इन 10 मिनट में कपड़े वॉश कर लेती हूँ फटाफट से, तो इसलिए मुझे मशीन में बहुत ज़्यादा झमेला लगता है। और अभी मैं दूध पी रही हूँ, इसके बाद सोते हैं, जम के मैंने ऑयलिंग की और चोटी कर लिया इस तरह से। तो चलिए अब इस ब्लॉग को भी यहीं पेंट करते हैं, होपफुली आपको पसंद आया होगा। नोनी पहले आ गया, बाय बाय, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।